हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दारा, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिलेशन और फंक्शन के ऊपर। इसके बाद मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो सब आर्टिकल्स हैं वो करवाती जाऊंगी। जैसे कि मैं हर वीडियो में पहले बताती हूँ कि ये आर्टिकल 9th और 10th ग्रेड के आर्टिकल्स हैं। कैलकुलस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ थी, कैलकुलस 1, 2, 3, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर किसी को कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 और कैलकुलस 3 की वीडियोज़ चाहिए तो मैं सारा लेक्चर्स यूट्यूब पे बस आप लिखें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है रिलेशन और फंक्शन के ऊपर। रिलेशन क्या होता है, और फिर रिलेशन में ही एक टाइप है जिसमें मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगी। फंक्शन के आगे कुछ टाइप्स हैं लेकिन हम उसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। आज मैं आपको रिलेशन और फंक्शन कवर करवाऊँगी। स्टार्ट करते हैं रिलेशन। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन जिस तरह के नाम से ही जाहिर है कि रिलेशन एक रिलेशनशिप है बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज़। आप कह सकते हैं कि वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ होंगी उसके आपके पास, कुछ सेट्स होंगे उसके दरमियान में एक रिलेशनशिप, उसको हम रिलेशन का नाम देते हैं। अब वो रिलेशनशिप किस तरह का होगा उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम रिलेशन की यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ। आर रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज। कुछ आपके पास सेट्स होंगे, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, वो चार भी हो सकते हैं। उन सेट्स, जो भी सेट्स होंगे वो कुछ ना कुछ वैल्यूज अपने अंदर रखते होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यूज उनकी होंगी सेट्स की। तो उसके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप होगा उसको हम रिलेशन का नाम दे देते हैं कि वो एक रिलेशन है। जैसे कि उसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशन है, उसके अंदर इनवर्स रिलेशन है। तो उसमें रिलेशन किस तरह का रिलेशनशिप है उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन जो भी रिलेशनशिप होगा उसको हम रिलेशन का अब रिलेशन को शो करने की भी मैथ में कुछ वेज हैं। तो रिलेशन को शो करने के टोटल हमारे पास 4 वेज हैं। आपको मैं 4 के 4 वेज यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर उस तरह आपके पास कुछ भी डायग्राम या कुछ भी रिलेशन आ जाएगा मैथ्स की आपकी बुक में, क्वेश्चन पेपर में, तो आपको पता होगा कि ये एक रिलेशन है और आपसे रिलेशन के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। रिलेशन में जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन एक्स एंड वाई वैल्यूज़ मोस्टली होता है। तो मैं एक्स एंड वाई वैल्यूज़ का रिलेशन जो भी होगा, जिस तरह लिखा जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। तो रिलेशन को शो करने के 4 वेज हैं, 4 ways to show relation। इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, किसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रिलेशन को डिफाइन करने के 4 वेज हैं। सबसे पहला जो वे है वो क्या है, मैपिंग, जिसको हम कहते हैं डायग्राम भी आप कह सकते हैं और मैपिंग भी कह सकते हैं। डायग्राम या मैपिंग के थ्रू किसी भी सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करने को भी रिलेशन कहा जाता है। जिस तरह की मैपिंग या डायग्राम में, इसका मतलब क्या, लेट्स सपोज आपके पास 2 यहाँ पे डायग्राम्स हैं, इसके अंदर कुछ एक्स वैल्यूज हैं, इसके अंदर कुछ वाई वैल्यूज होंगी। एक्स जो सेट है इसको मैं सेट भी कह सकती हूँ, यहाँ पे वाई एक सेट है, एक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं, वाई की कुछ वैल्यूज़ हैं। लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू 2, 4, 6, मैंने कुछ भी लिखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं 6, 8 एंड 10। यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यूज़ थी, यहाँ पे कुछ वाई की वैल्यूज़ हैं। तो रिलेशन शो करने का ये भी मेथड होता है कि 2 मैप कर रहा है 8 से, 4 मैप कर रहा है 10 से, 6 मैप कर रहा है 6 से। तो ये भी एक रिलेशनशिप शो करने का वे है। एक्स और वाई वैल्यूज़ के दरमियान में जो भी रिलेशनशिप है उसको मैंने रिलेशन का नाम दे दिया। उसको हम मैपिंग के थ्रू इस तरह शो कर सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है 2, वो 8 के साथ मैप हो रही है, 4 वैल्यू 10 के साथ मैप हो रही है, 6 वैल्यू 6 के साथ मैप हो रही है। समटाइम्स क्या होता है, एक ही वैल्यू 2 डिजिट्स के साथ भी मैप हो जाती होती है, तो उसका भी हम रिलेशन ही कहते हैं। तो ये क्या है, रिलेशनशिप है कि 6 के अकॉर्डिंग, 6 के अगेंस्ट 2 वैल्यूज़ हैं वाई की, 6 और 8, 2 के अगेंस्ट 8 है, 4 के अगेंस्ट 10 है।
ये एक रिलेशनशिप है एक्स वैल्यूज़ में और वाई वैल्यूज़ में, जिसको मैंने मैपिंग के थ्रू, डायग्राम के थ्रू दिखाया है। तो इस तरह के अगर आपके पास शेप्स होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मैपिंग हो रही है, मैपिंग के थ्रू हम एक रिलेशनशिप को समझाया जा रहा है। सेकेंड जो मेथड होता है रिलेशन को शो करने का, वो होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, आपके पास एक ऑर्डर पेयर होगा जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी। ऑर्डर पेयर यूजुअली इस तरह रिजेंबल करते हैं, 1 2 एक ऑर्डर पेयर है। जैसे एक आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास सेट है जी, इसके अंदर ऑर्डर पेयर 1 2 2 4 3 6, तो एक ऑर्डर्ड पेयर है, इनको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स को रिप्रेजेंट करती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो वाई को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके थ्रू भी हमें एक रिलेशन शो किया जा रहा है। यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है 2। जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 2। ये ऑर्डर पेयर हमें ये शो कर रहा है। सिमिलरली अगर 2 वैल्यू एक्स की होगी तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 4। तो ये ऑर्डर पेयर हमें इन दोनों के दरमियान में रिलेशन शो कर रहा है। सिमिलरली 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। तो ये हमें, ये मैं रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ऑर्डर पेयर में रिलेशन इस तरह, इस शक्ल में होगा, मैपिंग में रिलेशनशिप इस तरह शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वे, जो कि है ग्राफ। ग्राफ के थ्रू भी आप x वैल्यू और y वैल्यू के दरमियान में रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। किस तरह, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक ग्राफ ले रही हूँ, यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज होंगी, यहाँ पे कुछ y की वैल्यूज होंगी। मैंने रैंडम ग्राफ लिया है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमें कहा जाता है 1 2 3 1 2 3, ये नेगेटिव में वैल्यूज होंगी, 1 2 3 1 2 3, ये भी नेगेटिव में वैल्यूज होंगी। तो यहाँ से हमें ये जो डॉट हमने लगाया है, तो ये हमें ग्राफ पे शो कर रहा है कि 1 एक्स की वैल्यू थी, उसके करस्पोंडिंग 1 ही वाई की वैल्यू आई है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम रिलेशन को शो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डॉट होता तो इसका मतलब क्या था कि एक्स की वैल्यू क्या थी 1 और वाई की वैल्यू माइनस थी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 भी है और x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू माइनस 3 भी है। ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है। तो ग्राफ के थ्रू भी आप x एंड y वैल्यूज़ के दरमियान में रिलेशनशिप बता सकते हैं कि इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। तो ये 3 वेज थे। अब हम यहाँ पे मेंशन में आपको करते हैं फोर्थ वे। फोर्थ वे जो है वो है टेबल। टेबल के थ्रू भी आप रिलेशनशिप किसी भी वैल्यूज़ में बता सकते हैं। टेबल से मतलब क्या है, यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल है, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज है, यहाँ पे वाई की वैल्यूज है। इस तरह भी आपको आ सकता है, कुछ एक्स की वैल्यूज होंगी, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वाई की वैल्यूज होंगी। तो इस तरह आपको टेबल के थ्रू भी दिया जा सकता है। तो आपको पता होगा x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 है। तो ये भी एक रिलेशनशिप है बिटवीन सेट्स ऑफ x एंड y वैल्यूज़, जो कि टेबल के थ्रू हमें बताया जा रहा है। तो ये था व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज़। इसको फोर वे से हम डिफाइन करते हैं, मैपिंग, ऑर्डर पेयर, ग्राफ एंड टेबल। नेक्स्ट जो हमारा आज मैंने आपको बताना है, मेन हमारा जो है वो है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है, ये हमारे पास मेन है आर्टिकल, क्योंकि जो मैंने नेक्स्ट आर्टिकल्स करवाने सब आर्टिकल्स वो हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो उसके लिए आपको फंक्शन आना चाहिए कि फंक्शन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन। फंक्शन भी एक रिलेशनशिप ही होता है, एक रिलेशन ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन डाल देते हैं हम। ऐसा रिलेशनशिप या फिर ऐसा रिलेशन इन विच, एक ऐसा रिलेशन है सेट्स ऑफ वैल्यूज में इन विच
आप लिख सकते हैं ऑल इनपुट्स आर रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट ईच. ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जितनी भी इनपुट्स होंगी वो सारी रिलेट करेंगे एग्जैक्टली वन आउटपुट को. हर इनपुट के लिए आप कह सकते हैं एक आउटपुट होगी, तो जितनी भी इनपुट्स होंगी वो सारी के सारी वन आउटपुट ईच, हर किसी के लिए एक एक आउटपुट होगी डिफरेंट आउटपुट. ये नहीं होगा कि एक वैल्यू के लिए दो आउटपुट्स हों, हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होगी. तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन का नाम दे देते हैं. इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होगी, एक इंडिपेंडेंट. अगर हमारे पास सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में एक को ही अप्रोच करेंगे. तो फंक्शन को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. आपने माइंड में बस इतना रखना है कि जितनी भी इनपुट्स होंगी वो एक आउटपुट को रिलेट करेंगी. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूँगी तो आपको समझ आ जाएगी. अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ से करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 2 8 को कर रही थी, 4 10 को कर रही थी, 6 6 को भी कर रही थी और 8 को भी कर रही थी. तो 6 की वजह से ये फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ये तब होता अगर 6 सिर्फ एक 6 को ही अप्रोच करता. इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं होनी चाहिए. तो इसको हम कहेंगे फिर फंक्शन, ऐसे रिलेशन को. तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ फंक्शन की, ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए कि फंक्शन क्या होता है. लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल है या फिर एक टेबल ले रही हूँ. यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हैं, और आपके पास एक आपको फंक्शन दे दिया गया है f(x)x2. तो आपके पास कुछ इधर वैल्यूज हैं. अगर आपके पास x की वैल्यू होगी 1 f(1) तो x2 क्या आ जाएगा 1. अगर आपके पास x की वैल्यू होगी 2 तो x2 क्या आ जाएगा 4. अगर आपके पास x की वैल्यू होगी 3 तो x2 क्या आ जाएगा 9. अगर आपके पास x की वैल्यू होगी 4, हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं इस फंक्शन का, तो 4 का स्केयर विल बी इक्वल टू 16, तो x2 क्या आ जाएगा 16. तो अगर आप नोट करें 1 के करस्पॉन्डिंग 1 ही है, 2 के करस्पॉन्डिंग 4 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 9 और 4 के करस्पॉन्डिंग 16. तो अगर आप मैप भी करेंगे इसको या आप देखेंगे तो ये आपको साफ दिख रहा है कि जो आउटपुट है इनपुट की वो एक ही है. हर इनपुट एक ही आउटपुट के साथ मैप कर रहा है. तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है और ये एक रिलेशन भी है. रिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज. तो ये एक रिलेशन भी है और ये एक फंक्शन भी है. इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि हर फंक्शन रिलेशन है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता. यहाँ पे मैं एक छोटी सी यहाँ पे नोट लिख देती हूँ जो आपने अपने माइंड में रखना है. एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट every relation is not function. तो ये आपने अपने माइंड में नोट रखना है. कुछ मैं और एग्जाम्पल यहाँ पर फंक्शन के लिए दूँ ताकि आपको फंक्शन अच्छे तरीके से समझ आ जाए. तो f(1) 1 + 3 = 4, f(2) 2 + 3 = 5, f(3) 3 + 3 = 6, f(4) 4 + 3 = 7.
यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई इस फंक्शन की। अब हम इन वैल्यूज़ को ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, आप टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप मैपिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको जो सा इजी वे लगे आप उस फॉर्म में लिख लें और देख लें कि हर इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक डिफरेंट यूनिक आउटपुट है या नहीं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वन के करस्पोंडिंग वैल्यू थी फोर, टू के करस्पोंडिंग वैल्यू थी फाइव, थ्री के करस्पोंडिंग वैल्यू थी सिक्स एंड फोर के करस्पोंडिंग वैल्यू थी सेवन। तो अगर आप नोट करें वन के अकॉर्डिंग फोर, टू के फाइव, थ्री के सिक्स एंड फोर के सेवन, तो यूनिक आउटपुट इन्होंने सबने असाइन की हुई है एक्स वैल्यूज़ ने। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक फंक्शन है। इस तरह आपने देखते रहना है, जो भी आपके पास एग्जांपल है कि फंक्शन है कि नहीं, आप कुछ वैल्यूज़ निकालें, आप मैपिंग के थ्रू देख लें, आप जो भी रिलेशनशिप के वेज हैं आप उनके अकॉर्डिंग उसको देख लें कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, ये मेरा आज का आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो आपको उसके लिए फंक्शन का माइंड में होना ज़रूरी था कि फंक्शन क्या है, आप फिर हम उसकी डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।